हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पेरी पेरी मसाला स्टफ्ड बर्गर बन या पुल अपार्ट बर्गर बन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही चीजी है, क्रंची है और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप स्नैक्स में इसे बहुत ही झटपट बना सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए पेरी पेरी मसाला रेडी करेंगे। पेरी पेरी मसाला बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून पेपरिका, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला मेरा रेडी है। अब चलिए हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 3/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 3/4 गाजर ले लेंगे बारीक कटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक ले लेंगे, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल लेंगे, 1 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटी हुई, 1/2 टेबल स्पून उसमें अदरक डाल दें, 1/2 कप चीज 1/2 कप ग्रेट किया हुआ इसमें मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद की और भी कोई सब्जी ऐड कर सकते हैं और उसमें से जो सब्जियां मैंने मिक्स किया है उसे स्किप भी कर सकते हैं। मशरूम हुआ, कॉर्न हुआ या बॉइल्ड पोटैटो, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब चलिए इसमें हम पेरी पेरी मसाला जो रेडी किए थे उसे डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें और इन सबको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग मेरा रेडी है। अब चलिए हम बर्गर बन को काट करके तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 बर्गर बन लिया है। इसे हम किनारे से 2 कट एक किनारे पर, एक दूसरे किनारे पर, ऐसे हम दूसरे साइड से भी इस पर कट लगा लेंगे। बर्गर जो है ऐसे हम तीनों बर्गर को काट करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा ही काटे, आप इतना ज़्यादा ना काट दें कि वो नीचे तक पूरा कट जाए, जिससे बन फट जाएगा, फिर हम स्टफिंग इसमें नहीं कर पाएंगे। मेरा बर्गर बन जो है तैयार है। अब इसमें हम एक एल्यूमिनियम फॉयल फैला लेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर और हम इसमें अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे। अच्छे से जितना भी कट लगाया है चारों साइड से इसमें अच्छे से फिल कर ले। ऐसे हम तीनों बर्गर बन को अच्छे से फिल कर लेंगे। देखिए इसकी फिलिंग हो गई है और जो भी एल्यूमिनियम फॉयल है उसे अलग करेंगे और उसमें ऊपर से हल्का सा बटर या घी थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। अवन में रखेंगे तो बहुत ही मुलायम बर्गर बन रहेगा। चलिए इसे उल्टा करके इस एल्यूमिनियम फॉयल में रैप कर देंगे, इससे हमारा बर्गर बन खुलेगा नहीं, अच्छे से अवन में बेक हो जाएगा। ऐसे हम तीनों को फिल कर लेंगे और रैप कर लेंगे। ये बर्गर बन मेरा रेडी है और किसी भी अब अवन के स्टैंड पे बर्गर बन को रखेंगे और इसे अवन में हम 10 मिनट के लिए 120 डिग्री पर इसको रखेंगे। तो 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास अवन नहीं है तो। अब तवे पर आप रख दीजिए और इसे पलट पलट के दोनों साइड से 10 मिनट तक सेक दीजिए, तब बर्गर बन तैयार हो जाएगा। फॉयल से निकाल लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं। आप किसी भी सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ इसे सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही चीजी और बहुत ही क्रंची बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।